बेटों का बलिदान दे दी। अरे मैं तो नमन करती हूँ उन बहनों को जिन्होंने अपने भाइयों को खो दिया। अरे मैं तो नमन करती हूँ उन स्त्रियों को जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया। कितनी सुहागनों ने अपने पतियों को खोया था, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया था, कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया। अरे तब जाकर के आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। देखिए, क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिलती है। उस स्वतंत्रता के लिए हमें कितने त्याग करने पड़ते हैं, कितना कुछ सहना पड़ता है, कितने बलिदान देने पड़ते हैं। अरे तब कहीं जाकर के उस स्वतंत्रता का हम स्वाद चख पाते हैं। मैं तो नमन करती हूँ उन वीरों को, हमारे सेना के उन वीरों को जो आज जाकर के सीमाओं पे खड़े हैं, एक चट्टान की तरह हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश पर आंच नहीं आने दे रहे हैं। देखिए, आप सभी से भी निवेदन है, आज आप ही ये मन में बात बसाई, आज आप ही ये प्रतिज्ञा लीजिए कि हम हमारे देश के लिए जो हो सकता है वो करें। कोशिश कीजिए कि आप भी अपने देश के लिए कुछ बलिदान दे सके, कुछ कर सके। हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हम पालन कर सके। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो एक दिन तय है कि हमारा जो राष्ट्र है वो फिर से विश्व गुरु के पद पर जाकर बैठेगा। तो जरूरी है हमें हमारे कर्तव्यों को ध्यान में रखना। आज सोचिए, यदि वो माताएं वो बहनें अपने भाइयों को अपने बेटे को नहीं देती उस महायज्ञ में, तो आज क्या हम स्वतंत्रता से जी रहे होते? बिल्कुल। तो शत शत नमन है मेरा ऐसे प्राणियों को। और जैसा सब जानते हैं, इस समय सब बड़े आनंद के साथ आज इस दिवस को मना रहे हैं। सभी के घर पे तिरंगे लहरा रहे हैं, क्योंकि एक अभियान चला है हर घर तिरंगा। तो सभी ने अपने घर के ऊपर बड़ी शान के साथ हमारे प्राण प्यारे उस तिरंगे को लहरा रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा सभी से निवेदन है, जितने आनंद के साथ, जितने गर्व के साथ हम उस झंडे को अभी फहरा रहे हैं, उस झंडे को लगाया है, उतनी ही गरिमा के साथ 16 अगस्त को उस झंडे को उतार कर रखिए। कि जितने अच्छे से उसे लगाया है तो हमारा ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, उतने ही अच्छे से उस झंडे को गरिमा के साथ उतार कर। क्योंकि देखिए, यदि हम उस झंडे का अपमान करेंगे तो हमारे राष्ट्र का अपमान है। इसलिए सबसे जरूरी है, जो झंडे लगाए हैं तो 16 अगस्त मतलब कल आप पूरी गरिमा के साथ उन झंडों को उतार करके रखिए। क्योंकि देखिए महाराज, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, इसलिए सबसे जरूरी है कि जो हो सके आप अपने देश के लिए करिए, कुछ ना कुछ तो करिए।